मैत्री नगर भ्रष्ट दल के खिलाफ मंगलवार को एक बार फिर फ्लामो एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। इस बार एसीबी की ओर से की गई कार्रवाई में मैत्री नगर सदर एसडीएम राजेश कुमार के पेशकार अशोक कुमार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पेशकार 30,000 रुपए घूस ले रहे थे। इसके साथ ही फ्लामो एसीबी की ओर से इस वर्ष 1 दर्जन ट्रैप केस को पूरा कर दिया गया है। पेशकार को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी कार्यालय लाया गया, जहां से उन्होंने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फ्लामो एसीबी की टीम ने मंगलवार के पूर्वाहन में सदर एसडीएम कार्यालय में छापेमारी की। यहां से पेशकार अशोक कुमार को घूस की राशि 30,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी पलामो के पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि जिले के चैनपुर प्रखंड के बॉडी कर्स निवासी मुबारक हुसैन ने 1 दिसंबर को लिखित सूचना की दी। वर्ष 2017 में सदर एसडीएम कोर्ट में जमीन संबंधित मामले में 133 सीआरपीएस का केस जलालुद्दीन अंसारी के द्वारा किया गया था। केस खारिज हो चुका है। इसके बावजूद पेशकार अशोक कुमार उन्हें बुलाकर बोले कि आपका केस खारिज हो चुका है, हम लिख देंगे तो काम आपका हो जाएगा। इसके लिए साहब को 25,000 और उससे 5,000 बतौर घूस देने होंगे। मुबारक हुसैन ने अपने गरीबी का हवाला देकर पैसे देने में असमर्थता जताई, लेकिन पेशकार अशोक रिश्वत लेने के बाद ही काम करने को तैयार थे। वादी घूस नहीं देना चाहते थे और इसकी शिकायत एसबी कार्यालय में करने पर उसका सत्यापन किया गया। मंगलवार की पूर्वाहन करीब 11:45 बजे जैसे ही वादी ने घूस के 30,000 पेशकार को दिए, एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ दर दबोचा।